बाद मेरे कम्युनिटी में कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं। वो टीम में आया, इंडिया की क्रिकेट कहाँ पे थी और आज इंडिया की टीम कहाँ पे। विराट कोहली मैचेस खेल चुका है, बाबर आजम उतने नहीं खेल चुका। किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको एक पगड़ी वाला लगता है कि पाकिस्तान में हमें चांस नहीं मिलेगा। आज भी उनको टीम ही उतनी है, 120 करोड़ आबादी है, उतनी टीमें बन रही है। कम्युनिटी के ननकाना साहब आपस में मैचेस खेलते थे, तो हमारे जो कप्तान थे वहाँ पे रविंदर सिंह रवि, वो मुझे बॉलिंग के मतलब मैच के दौरान एक क्रूशियल सिचुएशन पे बॉलिंग देते कि आप अच्छी बॉलिंग करते हो, और वहाँ से एक आदत सी पड़ गई है और अच्छे क्रिकेट खेलने की, मतलब एक प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कैसे करनी है, उसने काफ़ी कुछ सिखाया। नॉट वो तो क्रिकेट नहीं खेला लेकिन क्रिकेट की बहुत समझ है, और हम उसको अपने कहते हैं कि सरदारों का धोनी है वो, जिस तरह से वो प्लानिंग करता और टेप मैचेस में भी इवन, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन ननकाना साहब में चूँकि कोई ग्राउंड नहीं है, जब से ननकाना साहब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है, पहले तो शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट में आ जाती थी, जब से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है तो ननकाना साहब के जो एसोसिएशन क्रिकेट वहाँ पे है नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होते हैं वो वहाँ पे कोई क्लब रजिस्टर्ड नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिस हो सके अच्छी और बच्चे खेल सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जिस तरह मोहम्मद इरफान जूनियर वहाँ से निकला और वो राणा नवीद की एकेडमी में जाता, तो ननकाना साहब से तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र है, हर बच्चा आना जाना सफ़र नहीं कर सकता। फिर मैंने ये फैसला किया कि लाहौर में शिफ्ट होऊंगा और लाहौर अपने तालीम के साथ साथ मैं क्रिकेट को भी कंटिन्यू करूंगा। फिर लाहौर जब शिफ्ट आया मैट्रिक करने के बाद, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं अपने क्रिकेट के आगाज़ किया। क्रिकेट मेरी फैमिली सारे शौकीन, मेरे ताया अबू थे, उनके वफात को 20 साल हो गए, अल्लाह ताला उनको अपने आला मकाम दे, क्रिकेट क्रेज़ी थे। मेरे पापा कहते हैं कि जब 92 का वर्ल्ड कप था, मेरी तो पैदाइश भी नहीं थी, जब 92 का वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान मैचेस हार रहे थे, तो मेरे ताया अबू इतने गुस्से में आते थे टीवी पे देख के कि वो कहते थे गालियाँ निकालने शुरू कर देते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ तक वो क्रेज़ी थे क्रिकेट के। फिर मेरे पापा भी क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, मेरे जितने भी मेरे कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं, सारे क्रिकेट के इतने शौकीन हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट तो कोई नहीं खेला लेकिन टेप बॉल क्रिकेट आज भी सारे खेलते हैं, और यही वजह है कि हमारे ब्लड के अंदर क्रिकेट है। एक छोटा सा लॉन था, हम सारा दिन उस वहाँ पे खेलना, सारी रात वहाँ पे खेलना। अभी भी जब ननकाना साहब जाता हूँ तो सारी गैदरिंग करते हैं, और गैदरिंग हमारी क्या होती है, क्रिकेट की गैदरिंग होती है। तो शौक वहाँ से प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा, अब्दुल कादर एकेडमी में मैंने रजिस्टर्ड हुआ, वहाँ से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, और उसके बाद एक साल बाद मैं ये इबादत इंग्लिश क्रिकेट क्लब आया, यहाँ पर मैंने अपना, चूँकि एक रजिस्टर्ड क्लब था यहाँ पर, तो मैंने अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, और इसी उम्मीद में था कि कहीं ओपन ट्रायल होंगे, कहीं होंगे, क्योंकि क्रिकेट की मुझे समझ नहीं थी। मैंने पीसीबी के पेजेस लाइक किए होते सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मैंने देखा कि पीसीबी नेशनल क्रिकेट एकेडमी वो ट्रायल ले रही है रिमोट एरियाज़ में, और मेरे चूँकि बर्थ केपीके की है, मेरे पास डोमिसाइल वहाँ का है, तो जब मर्दान में ट्रायल हो रहे थे तो मैं मर्दान पहुँच गया ट्रायल करने के। वहाँ पे जब ट्रायल हो रहे थे मैंने भी वहाँ पे ट्रायल दिए, और मेरी टाई पड़ गई एक बॉलर के साथ, और वो भी 135-136 स्पीड करता था, मैं भी इतनी करता था। तो उस टाइम अली जिया साहब थे हाई, मतलब जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जनरल मैनेजर थे, मतलब सर नज़र साहब थे, तो ये सारे वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी प्लेयर्स, तो बाकी जितने भी एरिया से ट्रायल थे उन्होंने सेलेक्ट कर दिए थे। जब मर्दान से ट्रायल, जो मैंने ट्रायल दिए, तो उन्होंने कहा कि यार ये दोनों बॉलर्स की टाई पड़ गई है, तो उसमें मुझे प्रेफर किया गया कि पाकिस्तान में हमें पहला सिख क्रिकेटर मिला है, स्पीड हमारी इक्वल थी लेकिन मुझे प्रेफर किया गया कि ये आप, हम आपको चांस दे रहे हैं एज ए माइनॉरिटी। तो वहाँ से मैं क्लिक कर गया और अगले दिन अखबारों में नाम आए, और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे कन्फर्म ही था कि आप जाएँ हम कर देंगे, लेकिन जितना मुझे लगा कि सिर्फ इस वजह से कि शायद मैं माइनॉरिटी में, तो मुझे एक चांस मिला वहाँ पर। तो अगले दिन अखबारों में नाम आया और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर मुझे फ़ोन आया नेशनल क्रिकेट एकेडमी से कि आप मुल्तान पहुँचें और फलां दिन से आपका कैंप लगेगा और इस तरह तक आपका कैंप लगेगा। उस कैंप में इतना कुछ सीखने को मिला, जो फर्स्ट एवर कोच जिसको मैं कह सकता हूँ तो अली जिया साहब थे, जो मैं कहता हूँ क्रिकेट के गुरु हैं, जो बेसिक नॉलेज उस बंदे के पास है, और जिसने जो जिस तरह हमें डिलीवर किया उस कैंप में, जो सर नज़र ताब थे, इंजमामुल हक साहब, बाकी तमाम कोचेज़ वहाँ पर मौजूद थे, नदीम इकबाल साहब थे, तमाम कोचेज़ वहाँ पे आए, और काफ़ी अच्छा कैंप हमारा हुआ। और लास्ट डे पे जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी का वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ओपनिंग थी, वहाँ पे इंजमामुल हक साहब भी आए, जिसके हम चीफ सेलेक्टर थे, तो वो भी वहाँ पे आए, और मैच हो रहा था उस दौरान, शहरयार साहब आए वहाँ पे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे आए, और मैंने बॉलिंग की वहाँ पे,
तो शेरयार साहब ने मुझे देखा कि सिख लड़का बॉलिंग कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा लगा और मेरी बॉलिंग भी उस दिन बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि खुशी से कहा कि मैंने कोई सिख क्रिकेटर यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मीडिया की, तो मीडिया के सामने मुझे लाके खड़ा किया कि आज मैं पाकिस्तान को एक नया चेहरा देने जा रहा हूँ क्रिकेट में और फर्स्ट एवर सिख क्रिकेटर इन पाकिस्तान। तो वहाँ से थोड़ा सा मीडिया पे हाईलाइट हुआ। शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की मीडिया का कि वहाँ से मुझे हाईलाइट किया इन्होंने, क्योंकि जब आप हाईलाइट होते हैं तो नज़रों में आ जाते हैं। मीडिया ने बहुत साथ दिया। जब वहाँ से हाईलाइट हुआ देन इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। इंडिया में मेरी खबरें चली, ऑस्ट्रेलिया में चली, कैनेडा में चली और सोशल मीडिया पे हर जगह से मुझे मुबारकबाद के मैसेज आए। सिर्फ वजह क्या थी कि मीडिया ने बहुत मुझे हाईलाइट किया और सपोर्ट किया। एक फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री थी, एक नया काम था जो एक नया चेहरा शेरयार साहब ने रख दिया, तो इस वजह से काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली। बैटिंग काफ़ी ग्रेट हुआ, आप खेल चुके हैं, किस टीम से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ किया और क्या परफॉर्मेंस आपकी? जब वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई तो वो मेरा पीक टाइम बन गया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से वो मेरा पीक टाइम बन गया और साल के अंदर मैं तमाम क्रिकेट खेल गया, ग्रेड टू खेल गया, लाहौर डिस्ट्रिक्ट खेल गया, लाहौर कलंदर में नाम आ गया। उसके बाद जब मलेशिया की टीम आई पाकिस्तान तो मेरा नाम मलेशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान साइड से मेरा नाम आया और मैं एक T20 मैच वहाँ पे अगेंस्ट मलेशिया खेला, वहाँ पे भी परफॉर्म किया, 4 ओवर में 22 रन दे के एक खिलाड़ी मैंने आउट कर दिया था। तो वो एक पीक टाइम मेरे लिए बन गया कि हर जगह पर मेरा नाम मीडिया पर, मेरा नाम मीडिया की वजह से मैं ज़ीरो से हीरो बन गया, एक रातों रात स्टार बन गया, हर चैनल ने मुझे ज़्यादा लाइव इंटरव्यू किए। तो वो मेरा पीक टाइम था और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम जितना भी मुझे चांस मिला, ग्रेड टू में एक मैच खेलने का चांस मिला, क्योंकि नया बॉलर था जहाँ पे भी गया उसने कहा, आखिरी मैच मुझे मिला वहाँ पे भी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में नाम आया तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे एक मैच मिला, वहाँ पर भी मैंने जितना परफॉर्म करना है, दो खिलाड़ी की इनिंग आई और उसके बाद हमारी दोनों बैटिंग, दो दफ़ा हमारी बैटिंग गिर गई, लेकिन जब चांस मिला जितना वो अपने परफॉर्म मैंने किया। फिर मलेशिया के अगेंस्ट खेला वहाँ भी किया, फिर लाहौर के अंदर में नाम आया वहाँ भी एक मैच मिला, वहाँ पर भी अपने जो एवरेज परफॉर्मेंस थी वो मैंने, वहाँ पर उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी जो ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, 6 टीमें की ट्रॉफी चलती है, क्योंकि आबादी के लिहाज से उतनी टीमें उतनी हैं, 120 करोड़ आबादी है, उतनी टीमें बन रही है। यही वजह है कि वो उनके प्लेयर बाहर किसी लीग में नहीं खेलते और उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट पेड है सारे और बहुत अच्छा पैसा उनको मिलता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर किसी भी मुल्क के प्लेयर को अच्छा पैसा मिले उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बाहर किसी जाने का सोच नहीं सकते। स्विंग मेरे पास अच्छा है, उस सवाल का मैं कहता हूँ कि मैं बहुत स्पीडी बॉलर नहीं हूँ कि मैं 145 कर रहा हूँ, 35-37 स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्विंग अच्छी है, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कर जाता हूँ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी जब मेरी सिलेक्शन NCAA में हुई। उसके बाद मोहम्मद अकरम साहब हेड कोच थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के पाकिस्तान के साथ हुए, तो वहाँ उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, स्पेशली जब लाहौर कलंदर में आए ना तो आकिब जवेद साहब ने बहुत कुछ सिखाया। जितने दिन का हमारा कैंप लगा लाहौर के अंदर के मैचेस में थे, इजाज़ अहमद जूनियर साहब थे, बाकी हमारे साथ जो जितनी मैनेजमेंट थी, स्पेशली आकिब जवेद ने जितने टिप्स दिए वो आज भी हमारे काम आ रहे। फिर उसी साल के बाद वापडा के ट्रायल हुए और वापडा भी मेरा नाम आ गया। तो उस साल से, क्योंकि नो डाउट अभी तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई है और वो बेहतर जानते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करने का, अब जो रीजनल क्रिकेट बन गई है सिटी एसोसिएशन की, वो किस तरह चलानी है, उनके एक्सपीरियंस इतना है उस पर हम फिलहाल कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी जा रही है तो उसके रिज़ल्ट बाद में आएंगे। तो लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम फेस हो रही है काफ़ी प्लेयर्स को, सिर्फ वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से है, लेकिन उसमें मेरा नाम है और हमारे एक वहाँ पे कैंप पे लगे, वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बाबा जी कोच थे हमारे वहाँ पे, बाबा जी के नाम से बड़े मशहूर हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। एक छोटी सी गलती जो मैं कर रहा था बॉलिंग में वो बाबा जी ने सिखाई और वहाँ से भी काफ़ी कुछ लड़के खेले। अब जब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब बनी है तब से वहाँ पर क्रिकेट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ ही नहीं, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई ग्रासी ग्राउंड है, ना कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि ननकाना साहब में कोई ग्राउंड बना दी जाए, ज़मीन बाबा गुरु नानक जी के नाम से, महकमा औकाफ के पास बहुत ज़मीन है, हम रिक्वेस्ट करेंगे महकमा औकाफ को कि एक स्टेडियम बनाया जाए। मैंने तो यहाँ तक ऑफ़र की कि जिस तरह बाबा गुरु नानक जी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन रही है और बहुत ज़्यादा फंडिंग सिख कम्यूनिटी पहले भी करती थी, करतारपुर साहब में भी की है, यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रही है, अगर वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाए बाबा गुरु नानक जी के नाम से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग भी हो सकती है और एक सॉफ्ट इमेज भी जाएगा।
ननकाना साहब में बहुत ज़मीन है, बाबा गुरु नानक जी 750 मरबा ज़मीन है। ज़मीन का कोई मसला नहीं है, हम महकमा औक़ाफ से कह सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है बाबा गुरु नानक की, वो स्टेडियम के नाम कर दी जाए ताकि वहाँ पर बच्चे खेले और पाकिस्तान को एक नया टैलेंट आए। ये बताएं पाकिस्तान आपको कैसा लगा और आप क्या यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेहमान नवाज, मैं यहाँ पे मेहमान तो हूँ नहीं, वो बात तो ये हुई कि आपने आपको अपना घर कैसा लगा, तो हर बंदे को अपना घर अच्छा लगता है। पाकिस्तान हमारी धरती है और जहाँ पे इंसान पैदा होता है ना वो सबसे प्यारा होता है। आफ्टर पार्टीशन हमारे बड़ों ने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में रहना है। काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं इंडिया साइड पे, लेकिन हमारे बड़ों ने फैसला किया कि नहीं, हमने पाकिस्तान में ही रहना है। हमारी ज़मीनें यहाँ पे थी, हमारे हर चीज़ यहाँ पे थी और हमने यहीं रहने का फैसला किया। ना कि सिर्फ रहने का फैसला किया बल्कि पाकिस्तान को सर्व करने का फैसला किया। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में आपको एक पगड़ी वाला मिलेगा। आर्मी में देख लें, रेंजर्स में देख लें, डॉक्टर में देख लें, बैंकिंग में देख ले, लेक्चररशिप में देख ले, किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको एक पगड़ी वाला मिलेगा। नो डाउट कि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, सिर्फ चंद हज़ार हमारी कम्युनिटी है और चंद हज़ार होने के बावजूद हमारे हर फील्ड में एक बंदा आ रहा है। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी का हिस्सा बनूँ, तो मेरी हाइट अच्छी थी, फिज़िक अच्छी थी और मैं फिट भी था, रनिंग वगैरह भी करता था। मेरी खुद ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन जब फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे पहले जो क्रिकेटर थे, और टू बी हॉनेस्ट मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे कम्युनिटी में कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है इस टाइम जो एकेडमी में क्लब में प्रैक्टिस कर रहा हो। उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में हमें चांस नहीं मिलेगा। आज भी उनको ये लगता है कि हमें चांस नहीं मिलेगा, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ अपने बच्चों को बिज़नेस साइड पे लगाती है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चंद ऐसे फैमिली है जो वेल सेटल है, बाकी सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो डेली कमाते हैं वही खाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने रिस्क नहीं लिया। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बैग उठाए और मुझे दिखाई दे कि वो क्लब क्रिकेट उसने ज्वाइन की या कोई अकेडमी उसने ज्वाइन की जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि भाई हमें चांस नहीं मिलेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो उनके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है कि यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, अगर मैं भी आर्मी में चला जाता क्रिकेट खेलने के बाद या क्रिकेट स्टार्ट करने के बाद, तो हमेशा के लिए ये फील्ड बंद हो जाती है हमारे कम्युनिटी में। एमएस धोनी की जो लाइकिंग है या फॉलोवर्स हैं पूरी दुनिया में, वो मिस्टर कूल है। पूरी दुनिया को पता है कि उसने जब वो टीम में आया, इंडिया की क्रिकेट कहाँ पर थी और आज इंडिया की टीम कहाँ पर पहुँची है। कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो मिस्टर कूल ने ना जितवाई हो। उसकी एक्सपीरियंस और उसका जो अंदाज़ है खेलने का, मैच को कैसे टर्न करते हैं, कहाँ पे, मतलब एक चेंजिंग मूड, अचानक बंदे को समय दे और क्या करने चला जा रहा है और मैच जीत जाता है, तो पूरी दुनिया उसकी फ़ैन है। रही बात बाबर आजम की, और इस टाइम जो दो टॉपर आ रहे हैं, दोनों पाकिस्तान से आ रहे, एक बॉलर और एक बैट्समैन, जो 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला, तो नो डाउट बाबर आजम की क्लास अलग है। अगर कंपेयर किया जाए विराट कोहली के साथ, विराट कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम अभी जितने विराट कोहली मैचेस खेल चुका है बाबर आजम उतने नहीं खेल चुका, लेकिन जो बाबर आजम क्लास शो कर रहा है और जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब पहला बैट्समैन है कि जितना कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस कर रहा है। और रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, तो उसके खेलने का अंदाज़, उसका जो पेशन है, उसका जो स्टाइल है बॉलिंग का और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, तो समझता हूँ कि उससे अगर चांस मिला कहीं पे उसे मिलने का या उसके साथ खेलने का, तो काफ़ी कुछ बंदा उससे, क्योंकि उम्र आपकी काउंट नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस और आपका तजुर्बा काउंट करता है और जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत एक दुनिया में इस टाइम पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं दुनिया पे राज कर रहे हैं, स्पेशली बाबर आजम बैटिंग के हवाले से, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेट के बाबर आजम के वो फ़ैन हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान आए गवर्नर हाउस में, और वहाँ पर उसने मुझे एक बात कही थी जब मैंने उनको कहा कि भाजी मैं पाकिस्तान तो पहला ऐसे क्रिकेटर हैं जो है पाकिस्तान दे विच मैं रिप्रजेंट कर रहे हैं। उन्होंने मैंने जानते जानते एक गल की, कहता पुत्र क्रिकेट दलेरी का काम है।
ते सरदार दलेर होंदे दलेर बड़े कम कर तो वह गल मेरे जहन च है कि क्रिकेट दलेरी का कम है इतने च डरन वाली कम ही कोई नहीं है खेलना है तो दलेरी नाल खेलना है। अच्छा ये बताएं कि सिख कम्युनिटी का क्या रोल है क्रिकेट में? देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई सिख क्रिकेटर नहीं आया। मुझसे पहले दो क्रिकेटर खेलते थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से खेला पपिंदर सिंह, वो भी फास्ट बॉलर था। एक सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रेड टू खेला था, ऑफ स्पिनर था गुलाब सिंह। और एक और क्रिकेटर था मदन सिंह जो मुरीद की साइड से खेला था। ये तीन क्रिकेटर आए लेकिन अब मैं नहीं कह सकता उसको चांस क्यों नहीं मिला या उन्होंने मेहनत नहीं की, वजह क्या थी ये डोंट नो, लेकिन काफ़ी साल खेलने के बाद वो स्किप कर गए। जब आप किसी काम को स्किप कर जाते हैं ना तो वहाँ पर आपकी एंड है। जब तक आप खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलता है। जब मैं इस फील्ड में मैंने कदम रखी मुझे हर बंदे ने कहा आप टाइम वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में आपको चांस नहीं मिलेगा, आपसे पहले तीन प्लेयर गए थे उनको चांस तक नहीं मिला, फलान नहीं हुआ फलान नहीं हुआ। उस टाइम क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, या तो नेशनल क्रिकेट थी या इंटरनेशनल क्रिकेट थी, ये लीग वगैरह नहीं थी। तो सारे कहते हैं आप टाइम वेस्ट करोगे, नहीं आपको चांस नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे मैंने चांस एक दफ़ा लेना है, मैंने अपनी मेहनत करनी है जहाँ तक मेरी किस्मत हुई। पहले दो तीन साल तो मुझे रिजाज हुआ कि शायद मुझे भी चांस नहीं मिले। एक टाइम ऐसा था कि दो जगह पे मैंने ट्रायल दिए, वहाँ पे जिस हिसाब से मेरे ट्रायल हुए सिलेक्टर ने मुझे कहा कि आपका नाम आ जाएगा, लेकिन बाद में लिस्ट में नाम नहीं आया, काफ़ी डिसहर्ट हुआ। खैर उसके बाद बागे जिना गया एक दफ़ा, वहाँ पे इमरान खान साहब के कज़न है जवेद ज़मान खान, उन्होंने अपने मुझे अपनी टीम में लिया और हर संडे टू संडे उनके साथ मैचेस खेलता था। उस बंदे ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, आप खेलो आप बॉलर अच्छे हो, उसके तरफ से काफ़ी मैचेस मैंने जितवाए, बहुत मोटिवेट किया उस बंदे ने। फिर मैंने जाकर रियलाइज किया और एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि आप स्किप कर दो अपनी एजुकेशन पर फोकस करो, फार्मेसी डिपार्टमेंट मेरा एडमिशन हुआ, आप फार्मासिस्ट बन रहे हो और क्या ज़रूरत है, इतनी एजुकेशन भी ज़रूरी थी और बहुत टफ थी, बहुत फील्ड बहुत दोनों टफ आ गए। सुबह से 3 बजे तक क्लासेस लेना, फिर प्रैक्टिस पे आना, फिर रात को तैयारी करना, अगले दिन लेक्चर की, अगले दिन असाइनमेंट की, प्रेजेंटेशन की, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो पापा ने कहा कि आप क्रिकेट स्किप कर दो, एक चीज़ के पीछे पढ़ते नहीं हैं, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ आपने पकड़ ली वो होगी। लेकिन फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की मुझे 2 साल टाइम दे दें, अगर 2 साल में मैं क्लिक कर जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर छोड़ दूँगा। और उसी दोनों साल के दो कोई 8 महीने गुजरे थे जब NCA के ट्रायल है वहाँ पे मेरा नाम आ गया, देन वहाँ से मेरी वो क्या कहता है कि गुड्डी चढ़ गई। फिर उनको भी रियलाइज हुआ, स्टार्ट में तो वो क्रिकेट में के फेवर में नहीं थे, जब पहले मैट्रिक से पहले जब मैं कहता था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है कि नहीं खेलनी, लेकिन आफ्टर मैट्रिक जब लाहौर आया घर से दूर आया मैं, तो जब मैंने क्रिकेट अकेडमी मैंने ज्वाइन की किसी को भी पता नहीं था मुझसे, घर में जो पॉकेट मनी मुझे मिलती थी ना वो डेली 100 रुपया मैं साइड पे करता कि मैंने क्रिकेट एकेडमी की फ़ीस देनी है। 2 साल बाद मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। जब मेरा FSC का रिज़ल्ट आया और मार्क्स कम आए, मुझे पूछे क्या वजह है, मैंने कहा मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वजह थे आपके मार्क्स कम आए। अब शामिल है जब मेरा NCA में नाम आया, जब मेरा रिज़ल्ट आया FSC का, तो मुझे खूब डांट डपट पड़ी क्योंकि मैट्रिक में मेरे 80% मार्क्स और FSC में मेरे 70% से भी मार्क्स कम। तो वो कहते वजह क्या बनी, गवर्नमेंट कॉलेज एक नाम, फिर किप्स अकेडमी में पढ़ना। मैं क्या करता था कि कॉलेज में आना, बैग में बुक्स की जगह शूज़ वगैरह लेके आना, 2 बजे प्रैक्टिकल की क्लास लगनी, 2 बजे मैं कॉलेज से निकल जाना है, मैंने अकेडमी चले जाना है। शाम को फिर 5 से लेकर 9 बजे तक क्लासेज होती थी। पहले 6 महीने तो मुझे समझ नहीं आ रही, लाहौर जब आया तो मैं कहता हूँ ये कहाँ पर फंस गया हूँ मैं। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेज लेना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, फिर 5 से लेकर रात 9 बजे तक एकेडमी पढ़ना। शौक मेरा क्रिकेट का, मैं कहा रात 9 बजे के बाद मैं कहाँ क्रिकेट खेलूँगा, मैंने काम तो मुश्किल है। फिर मैंने ऐसे किया कि जब प्रैक्टिकल की क्लासेज में प्रैक्टिकल लेने नहीं जाता था, 2 बजे तक क्लासेज ले और कॉलेज से निकला, कादर एकेडमी गया, वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस की 4:30 बजे तक, 2 घंटे 1.5 घंटा। उसको मैंने कहा था कि मेरे एकेडमी का टाइम होता है, फिर मेट्रो पे बैठना और यादगार उतरना, किप्स एकेडमी जाना, वहाँ पे भी मुझसे 2 लेक्चर मिस हो जाते थे। 6 बजे मैं पहुँच जाता था, 6 से लेकर रात 9 बजे तक मैंने पढ़ना। वो जो किप्स एकेडमी का मैनेजर था, तो उन्हें एक दफ़ा मेरे घर कॉल की कि आपका बच्चा डेली लेट आता है और टेस्ट भी नहीं देता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई,
वहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए थे, ये तो ये देखें डेली दो क्लासेस मिक्स करता है, जब टेस्ट होता है टेस्ट से अगले दिन वो निकल जाता है, टेस्ट भी नहीं देता। ये शौक था क्रिकेट का था, मुझे कहता है ये बच्चा आपका बहुत टैलेंटेड है, मेरे पापा कहते थे। लेकिन इसमें जो वो कहते ना कीड़ा है जो है वो क्रिकेट का, अगर वो ख़त्म हो जाए ये बड़ा कुछ कर जाएगा। टैलेंटेड है ये, अगर एक घंटा पढ़ता है और बाकी लड़के दो घंटे पढ़ते हैं, उसके एक घंटा वो बराबर होता है, लेकिन जो शौक उसको क्रिकेट का ये उसको पढ़ने। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया, अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद।